हेलो दोस्तों, प्रतीक लोचावाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल फोटोज ऐप में फोटोज और वीडियो का बैकअप कैसे लेते हैं और बैकअप लेना क्यों जरूरी है। क्योंकि आजकल हमारे स्मार्टफोन में हमारी ऐप्स, गेम्स, फोटोज, वीडियो, मूवी और म्यूजिक के कारण हमारे स्मार्टफोन का स्टोरेज फुल हो जाता है। तो हम अपने फोटोज और वीडियो का बैकअप ले तो हमारे स्मार्टफोन में थोड़ी स्पेस फ्री हो जाती है और ये बिल्कुल सेफ तरीका, क्योंकि हम हमारी फोटोज गूगल के सर्वर पर अपलोड करेंगे। और हाँ दोस्तों, बैकअप ली हुई फोटोज को आप अपनी गैलरी से भी डिलीट करोगे तो भी वो फोटोज गूगल के सर्वर पर सेव रहेगी। और हाँ दोस्तों, वहाँ पे आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगा फोटोज और वीडियो के लिए। और आपको जब भी वो फोटोज चाहिए तो आप अपनी गैलरी में कैसे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हम कोई भी नई वीडियो लाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में आ जाना है और वहाँ पर आपको टाइप करना है गूगल फोटोज़ और आपको जल्दी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ दोस्तों। और इसमें अपनी जीमेल आईडी से इसमें लॉगिन कर देना है। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ दोस्तों, तो आप भी जल्दी से लॉगिन कर दीजिएगा। और बाद में आपको अपने फाइल मैनेजर में आ जाना है और उसमें मेरे पास एक फोल्डर है जिसमें है एक फ़ोटो, मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। और दूसरा एक वीडियो है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, तो हम इसका बैकअप लेते हैं अपने गूगल फ़ोटो में से। तो हमको जल्दी से वो गूगल फ़ोटो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और वहाँ पे आपको एल्बम में चले जाना है। और एल्बम में अपनी जिस भी फोल्डर में आपने अपनी फ़ोटो रखी है उसको ओपन कर देना है और बाद में उसको बैकअप नाउ पे क्लिक कर देना है। थोड़ा टाइम लेगा दोस्तों। और ये बैकअप हो गए और बाद में ऐसे ही वीडियो को भी आप अपने बैकअप कर दीजिएगा। थोड़ा टाइम ले रहा है दोस्तों। और ये बैकअप हो गया। चलो हम अपनी फाइल मैनेजर में चले जाते हैं अपने और इसको यहाँ से डिलीट मार देते। तो ये हमने डिलीट मार दिया दोस्तों। और वापस हमको अपनी गूगल फोटोज़ में आ जाना है और देखना है कि वो बैकअप हुआ कि नहीं हुआ। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने जो स्क्रीनशॉट पारा था उसका बैकअप हो गया है। और वीडियो को हम ढूंढ लेते हैं जल्दी से। और देखिए दोस्तों, वीडियो हमारी ये रही। अभी आपको इसको अपनी वापस गैलरी में लेना है तो आप इसे इधर से सिंपली डाउनलोड कर दीजिएगा। और आपको अपनी फ़ोटो लेनी है तो आप इधर से अपनी फ़ोटो को डाउनलोड कर दीजिएगा दोस्तों। सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो हम देख लेते हैं अपने फाइल मैनेजर में वापस आ गया कि नहीं। तो ये हमने अपना फाइल मैनेजर खोल लिया दोस्तों। और उसमें आपको जाना है डिस्ट्रीम में, डिस्ट्रीम में रिस्टोर में जाना है। तो ये रही अब हमारी फ़ोटोज़ तो आ गई है दोस्तों। और हम देख लेते हैं कि हमारी वीडियो भी आ चुकी है कि नहीं दोस्तों। तो चलिए, हमको फिर से डीएसएम में जाना है, उसमें रिस्टोर में जाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो भी आ चुकी है जिसका हमने बैकअप लिया था। तो ये रही हमारी वीडियो और ये रही हमारी फोटोज दोस्तों। और यहाँ पे आपको दोस्तों अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगा दोस्तों। और आप भी अपने ऐसे ही
फ़ोटोज़ और वीडियो को ऐसे सेव करें और बाद में अपनी गैलरी से भी डिलीट करेंगे तो भी उसका बैकअप वहाँ पर रहेगा दोस्तों। और आपको यहाँ पे मैं और एक चीज़ दिखा देता हूँ दोस्तों कि आपको जिस भी फोल्डर का ऑटो बैकअप लेना है तो यहाँ से इसको सिंपली ओपन कर दीजिएगा तो ये अपने आप ही बैकअप ले लेगा। मैं उसको ऑन नहीं करूँगा दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ, आपको अपनी सेटिंग में चले जाना है दोस्तों और वहाँ पे आपको दिखेगा बैकअप एंड साइनिंग, उस पर आपको क्लिक कर देना है और वहाँ पे आपको दिखाई देगा बैकअप डिवाइस फोल्डर। तो आप में आप जो भी अपनी स्क्रीनशॉट खींचोगे, आप इसको ऑन कर दोगे तो आप जो भी अपनी स्क्रीनशॉट खींचोगे उसका बैकअप वो ऑटोमेटिक ले लेगा। वैसे ही व्हाट्सअप इमेज का बैकअप आप ऑन कर दोगे तो वो सारी व्हाट्सअप इमेज का बैकअप ले लेगा ऑटोमेटिक। ऐसे ही आपको जिस भी फोल्डर का बैकअप लेना है तो आप यहाँ से इसको ऑन करके ऑटोमेटिक ले सकते हो दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे।